पड़ोसी युवक ने 8 साल की एक मासूम बच्ची को गुटखा लाने के बहाने बुलाकर उसके साथ किया दुष्कर्म। पुलिस में 1 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। जैसा कि आप सभी को बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले के थाना बाढ़ क्षेत्र अंतर्गत से आ रही है, जहां एक पड़ोसी युवक ने 8 साल की एक मासूम बच्ची को गुटखा लाने के बहाने अपने घर पर बुलाया। इसके बाद उसे मकान की छत पर ले जाकर उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दे डाला। युवक द्वारा बच्ची के चिल्लाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से छूटी पीड़िता रोते हुए घर पहुंची और अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित बच्ची को लेकर परिजन थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे मात्र 1 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा बच्ची को मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भिजवाया। देखिए, एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक बच्ची के साथ जो है नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम जो है वो गाँव का ही जो पड़ोसी है उसके द्वारा किया गया है। जैसे ही सूचना मिली थी तत्काल उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और 1 घंटे के अंदर में जो अभियुक्त था जो कि फरार हो गया था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसका नाम कल्लू कुशवाहा है और बच्ची का मेडिकल जो है वो परीक्षण कराया जा रहा है। जो ये अभियुक्त है इसको जो ऑपरेशन कन्विक्शन है उसके तहत चिन्हित प्रकरण में शामिल किया जाएगा और इसको जल्द से जल्द जो है माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको कठोरतम सजा दिलवाने का ललितपुर पुलिस के द्वारा प्रयास जो है वो किया जाएगा।